आज की इस चर्चा में हमारे साथ हर्ष रूंगटा है, डायरेक्टर अपना पैसा .com। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर रूंगटा आपका। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की। कई सवाल हमें मिले हैं और सबसे पहले दर्शक जो इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, डैनियल है आंध्र प्रदेश से, हैदराबाद से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार डैनियल, गुड इवनिंग, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी डैनियल। जी एक्चुअली मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ एंड आई वॉन्टेड टू बाई अ प्लॉट विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। I wanted to know how much amount I can avail for this plot loan. Right. कितनी रकम की आपको जरूरत है उसके बारे में अगर आप थोड़ा और डिटेल्स शेयर कर सके डैनियल। हाँ जी, मेरे को करीब करीब 10 लाख की जरूरत है, 10 लाख the worth of the plot is. Okay. And as far as your mail is concerned, आपने उसमें mention किया था कि आप और आपकी wife दोनों ही working हैं, तो क्या jointly आप loan के लिए apply करेंगे? अगर the primary thing is अगर मेरे नाम पे ही आ जाए तो it's well and good. If it is not available on my name, then I'll put my wife as well. Sure. And one more thing, Daniel, क्या आप ये बता सकते हैं कि जो आप plot लेने की सोच रहे हैं, जो शायद आपने देखा भी authorized plot आप बता रहे हैं आंध्रा में, exactly आप construction का भी उसमें आपने विचार किया है या फिर maybe आप अभी फिलहाल plot खरीद कर कुछ समय के बाद इसमें construction शुरू करना चाहते हैं? अभी तो मैं खाली प्लॉट खरीदना चाहता हूँ, देन लेटर आई विल बी प्लानिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन पार्ट। मतलब अभी अगले 2 से 3 साल में शायद कोई प्लान नहीं है? अभी तक तो नहीं है। ऑलराइट, आप फोन लाइन पर बने रहे, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और हर्ष, जैसा इन्होंने मेंशन किया, इनकी अगर स्टैंडलोन देखे जाए, इनकी खुद की आय 25,000 के आसपास है, वाइफ की आय अगर इसमें इंक्लूड की जाए तब दोनों की आय लगभग 42,000 रुपए होगी प्रति महीना। और जैसा इन्होंने मेंशन किया कि प्रेफरेंस इनकी यही है कि इंडिविजुअली अगर इनकी सैलरी पर इनको मिल जाता है लोन तो इन दैट केस वाइफ को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए वाइफ को इंक्लूड कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट का जहां तक सवाल है, 10 लाख का लोन चाहिए होगा प्लॉट खरीदने के लिए। आपकी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? तो डैनियल जी, आपने काफी साफ शब्दों में कहा है कि आप सिर्फ प्लॉट लेना चाह रहे हैं और ऑलरेडी चूंकि ये आंध्र प्रदेश की हैदराबाद की अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है तो इस पे लोन आपको मिल जाएगा। इसको आपको एज अ प्लॉट लोन लेना होगा, यानी कि नॉट हर बैंक जो होम लोन देती है वो जरूरी नहीं है प्लॉट लोन देगी, बट जो भी मेजर प्लेयर्स हैं, ICICI है, HDFC है, LIC हाउसिंग फिनेंस है, SBI है, वो सब प्लॉट लोन देंगे, खास करके इसके लिए चूंकि ये अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। लेकिन प्लॉट लोन रेगुलर होम लोन से महंगे हैं, करीबन आपको 11.5 से 12.5% तक का ब्याज दर पड़ेगा। 20 साल का लोन नहीं मिलेगा आपको, 15 साल का ही मिलेगा। 60 से 65% जो है लोन मिलेगा, 30 से 35% आपको अपने पास से देना होगा। सबसे बड़ी बात, जब तक उस पर घर नहीं बनता तब तक कोई टैक्स ब्रेक आपको नहीं मिल सकता। जो भी ब्याज आप दे रहे हैं वो डिडक्टिबल नहीं है, यानी ये लोन वाकई कोई सस्ता नहीं है, काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको। जहाँ तक एलिजिबिलिटी का सवाल है, मेरे ख्याल से एज अ प्लॉट लोन आप लेंगे तो अगर और कोई लोन नहीं है आपका तो आप सिर्फ अपने नाम से ले सकते हैं। लेकिन अगर जॉइंट बेसिस पे अप्लाई किया है, आपने और अपनी वाइफ ने जॉइंट बेसिस पर अगर अप्लाई किया है तो दोनों को वैसे भी आपको को बोरोवर बनना ही पड़ेगा। और मेरी सलाह है कि आप जॉइंट बेसिस पर ही अप्लाई करें, क्योंकि जॉइंट बेसिस करने से सक्सेशन वगैरह में अच्छा रहता है। तो दोनों का नाम होना प्लॉट पर अच्छा है, और अगर दोनों का नाम होगा तो ऑब्वियस है कि दोनों को बोरोवर बनना पड़ेगा और लोन ये मिल जाएगा आपको। 10 लाख का लोन आपकी दोनों की इनकम देखते हुए मिल जाएगा, हो सकता है सिर्फ आपकी इनकम पर भी मिल जाए, वो आप कोशिश कर सकते हैं। अगर 10 नहीं मिलेगा तो भी 8.5 से 8.5 लाख का तो लोन मिल ही जाएगा, 10 का भी मिल सकता है। लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप हस्बैंड और वाइफ, आप खुद के और वाइफ के दोनों के नाम पे ही प्लॉट लीजिए, और लोन भी ऑब्वियसली फिर आपको जॉइंटली ही लेना पड़ेगा।
तो यानी कि दो अहम बातें एक्सपर्ट ने कही, आप ध्यान रखें कि पहली बात तो ये कि वाइफ को अगर इंक्लूड करते हैं एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो भी आपको बताया एक्सपर्ट ने, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं सिर्फ प्लॉट लोन, प्योर प्लॉट लोन अगर आप लेंगे इन दैट केस एक तो अवधि भी छोटी होगी होम लोन्स के कंपेरिजन में और साथ ही ब्याज दर थोड़ा ज्यादा देना होगा, और जैसा हर्ष ने भी बोला कि आपको मार्जिन मनी भी ऐसे केस में ज्यादा देनी होती है। तो आपने जो भी प्लान किया उसका अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं और HDFC लिमिटेड और इसके अलावा कई और इंस्टीट्यूशन वहां पर आप चेक कर सकते हैं इस प्लॉट के लिए आपको कहां पर लोन मिलेगा। कुछ और सवाल शामिल कर रहे हैं, कुछ सवाल ईमेल के जरिए भी मिले हैं। अगला सवाल अमित देव का है।